bhutanam dunastam. Sadnetram chatursutram agnam avayamyam. Om sandil gutra. जो अग्नि देव है ना इसका सांडिल गोत्र है. मेषध्वज ब्राह्मक मंसम को है. ओम मुखम ये सर्व देवानाम प्रीतिदास भवाम. ओम पितृणाम च नमस्तस्य. नमस्ते पावक आत्मने. ओम अग्नि देवेभ्यो नमो नमः. चुकुर देंगे पुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. बोलो तुम्हें श्री कृष्ण गोविंद. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण मुरारी. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे पोंगी पलानी समरप्यामी चावल हाथ में ले लो. नमस्कार करो. तिरपादम सप्तस्तम जय दो मूर्धानम दो नाशकम सरनेत्रम जितनो अग्नि देवता प्यो नमो नमः. बोले शंकर भगवान की जय. अब सभी को सामग्री डालनी है. सामग्री दे दो. सभी का नंबर आएगा तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके सामग्री डालनी है. और ऐसे डालनी है. एक बात बता दूं पहले ही. हम लोग स्वाद बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हम स्वाद क्यों कहते हैं? इसका बेनिफिट क्या है? लाभ क्या मिलता है स्वाद बोलने से? हर चीज का कौन कोई कारण होता है. शंकर भगवान की जो अग्निदेव है ना. अग्निदेव ध्यान से सुने. एक मिनट ओनली वन मिनट. जो अग्निदेव है इसकी धर्म पत्नी का नाम स्वाद है. स्वा बोलने से अग्निदेव खुश होते हैं. स्वा बोलने से अग्निदेव खुश होते हैं. ये केवल मूल बात समझ लो. जो अग्निदेव के द्वारा ही सारे देवता आहुति लेते हैं. जो अग्निदेव खुश हो जाते हैं सारे देवता खुश हो जाते हैं. स्वा बोलने से अग्निदेव की धर्म पत्नी है. स्वा बोलने से जिनकी शादी हो चुकी है घरवाली खुश हो जाएगी. और जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी. बिना पैसे की दवाई है केवल स्वाद. प्रेम से बोलना है.